आखिरकार उडारिया में चल गई गोली। मुर्तजम आसमा जो है वो दोनों सरहद पार चले जाते हैं। जैसे ही सरहद पार करवा देती है, आसमा लौटने लगती है, तभी मुर्तजम हाथ थाम लेता है, हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं आसमा, आपको मेरे साथ इसी मुल्क में रहना है क्योंकि वहाँ आपको कोई प्यार नहीं करता है। आसमा कहती है कि मेरी पूरी फैमिली वहाँ इंतज़ार कर रही है, मैं अरमान के बिना नहीं रह सकती हूँ। तभी यहाँ पर मुर्तजम ये बात कह देगा कि वही फैमिली ने मुझे ये बात कही है कि आपको हैदर कोर्ट में ही रखा जाए। वल तब तक यहाँ पर अरमान पहुँच जाता है। यहाँ पर अरमान को देखकर आसमा जो है वो हाथ छुड़ाकर सीधे भागती है अरमान के पास। यहाँ पर जो है पुलिस पहले से ही सतर्क हो चुकी थी, यहाँ बंदूक तन चुकी थी और यहाँ पर आपको बताते चले कि गुस्से में आकर अरमान जो है वो बंदूक हाथ में लेता है। उसके पहले आपको बता दें कि वो लेडी पुलिस भी आ चुकी है जिसने बंदूक मुर्तजम पर तानी हुई है। गोली तो ज़रूर चलती है लेकिन गोली किसके बंदूक से निकलती है? क्या वो बंदूक की गोली जो है वो अरमान की होती है या फिर वो लेडी पुलिस की? यहाँ पर मुर्तजम को गोली लग गई है और मुर्तजम गिर चुका है। यहाँ पर आतंकवादी करार दिया जाएगा मुर्तजम। यहाँ पर मुर्तजम का बेटा जैद जो है वो आसमा के पास ही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि मौत तो ज़रूर होगी, मुर्तजम की मौत होगी और मुर्तजम का बेटा आसमा के पास ही रहेगा। देखना दिलचस्प होता है कि क्या होगा अब शो में आगे।